महीने पहले इसकी आंख में इसका मास बढ़ रहा था आंखों का, और 2 महीने हो गए थे। मैंने डॉक्टर को भी दिखाया तो डॉक्टर ने पहले तो 15-20 दिन की दवाई दे दी कि देखिए देख लेते हैं इसको ठीक होगा नहीं होगा, पर दवाइयों को कुछ असर नहीं हो पाया। उसके बाद मैं दोबारा डॉक्टर पे गई तो उन्होंने सीधा बोल दिया कि इसके तो आइस का ऑपरेशन होगा। अब इतना छोटा बच्चा है तो मैं डर गई थी। मैंने कहा कि कुछ और ऑप्शन है, इसका कोई ऑप्शन नहीं है। और उन्होंने दोबारा दवाई दी, कोई मेडिसिन नहीं दी, बोले इसका कोई इलाज नहीं, बस ऑपरेशन होगा। और वो मास लगातार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था, और मैंने से वो उनसे पूछा भी नहीं कि कोई और प्रॉब्लम तो नहीं होगी, तो उन्होंने ये बढ़ता जाएगा, जितना जल्दी हो आप इसे करा लीजिए ऑपरेशन। और उन्होंने बोला किसी बड़े हॉस्पिटल में जाना है। मैं बहुत अफसर हो गई थी, मैं आई घर पर बहुत मन टूट गया। उसके बाद मैंने फिर अपना अपना हिम्मत बांधी और मैंने कहा नहीं, खुदा ने बोला है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। और मैंने अपनी प्रार्थना में इस बेटे के लिए रखा कि नहीं इसको ठीक करना है, अब आप ही पेपर है, कोई दवाई नहीं है। पादरी साहब ने लगातार निरंतर प्रार्थना करी इसके लिए और बहुत लोगों ने प्रार्थना करी, और आप एक ही नहीं मानते, कोई दवाई नहीं, कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं लगाया कि आइस में ना इसको मेडिसिन दी, अपने आप ये बिल्कुल ठीक हो गया। बिल्कुल आपका धन्यवाद हो, प्रभु की महिमा हो कि आज इसका इसकी आंखों में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। और बेटे को भी मैं प्रार्थना में जब रखती हूँ तो ये हमेशा बोलता है कि मम्मा जीजस पापा ने मेरी आइस ठीक कर दी है। अब जब भी इस बेटी को चोट लग जाती थी इसका हाथ पकड़ के ले जाता और डॉक्टर के सामने होते थे, चलो जीजस पापा अब इसको भी चोट लग गई है इसे ठीक कर दो। तो खुदा के आत्मा आत्मिक शिक्षा के लिए संसारिक शिक्षा को सभी देंगे, मिली जाती है, लेकिन आत्मिक शिक्षा देनी हमारी जिम्मेदारी है। तो बच्चों को जब हम अपने घर में प्रार्थना के साथ बच्चों को हम जब पालेंगे पोसेंगे तो शायद हमसे उनका विश्वास हमसे ज़्यादा बढ़ जाएगा। धन्यवाद। जय मसीह।